और कमेंट ले लेते हैं YouTube पर। हमें कमेंट आया है और यह है MG Creation यूजर नेम से, तो ये जानना चाहते हैं कि IRFC और NHPC पे एक लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। तो इसके लिए सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। सौरभ जी बताइए कि IRFC और NHPC पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? हमें काफी अच्छे लगते हैं। एनएचपीसी उन्होंने बहुत ही अच्छा काउंटर चूज किया है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। काफी सारे कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, जैसे शुभाशी और एक मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मार्च 25 में, कुछ दिसंबर 24 में, कुछ आगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी कमिश्निंग हो जाएंगे। और कंपनी के जो भी रिसेंटली ऑर्डर विन है, जो ओवरऑल कंपनी का जो 2032-35 तक का टारगेट है, वो काफी बड़ा टारगेट है। और मैं समझता हूँ काफी बड़ी कंपनी ये बन जाएगी। वैल्यूएशन की बात करूं तो मैं समझता हूँ रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनी है। इस तरह के आपके स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल रह सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट करेंगे प्लीज आप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें YouTube पर आया है अंजलि बत्रा जी का, और इनका सवाल है BHEL पर 50 शेयर्स हैं, 306 पर इन्होंने लिया हुआ है BHEL को, और इनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म है। 299 पर इस वक्त फिलहाल कारोबार कर रहा है, तो हल्के नुकसान में है ये। अंशु जी क्या करें, BHEL पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, BHEL में डेली चार्ट पे देखें तो एक कप नैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है, लेकिन जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में, कैंडल बहुत अच्छी नहीं थी। 20-डे मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए होल्ड हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट 290 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 290 नहीं टूटता है तो एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करके ये स्टॉक 320 तक आ सकता है, और 320 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है 354 तक के लिए। बट जो पैटर्न है, जो वॉल्यूम स्ट्रक्चर है, बहुत एंकरेजिंग नहीं है। आई एम वेरी डाउटफुल कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, तो 290 का है तो स्टॉप लॉस ले लें, या बेटर है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। 320 निकलता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम 320 के ऊपर बनेगा। चलिए, तो ये तमाम काउंटर्स पर सलाह क्षेत्र के हिसाब से भी, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं YouTube पर और 6 महीने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस पे सलाह चाहते हैं। अंशुल आप ही के पास आऊँगी मैं, और इनका आउटलुक काफ़ी, विपुल कुमार इनका नाम है, अगर देख भी रहे हो तो सर आप ही के सवाल को ले रहे हैं शो पे। PNB हाउसिंग फाइनेंस अंशुल 6 महीने के लिए ही इनको लेना है, बताइएगा। देखिए, PNB हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ है, बेरिश से ये स्टॉक बुलिश हुआ है। 750 जब से इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, 6 महीना हो गया है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बॉक्स में। अब ऐसा लग रहा है कि फैग एंड ऑफ कंसोलिडेशन है, यहाँ से फ्रेश बाइंग बननी चाहिए। 812-815 ये रेंज है, इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है ये बुलिश ट्रेजेक्ट्री में वापस लौट आएगा। अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 812 रुपए के ऊपर फ्रेश बाइंग बनेगी। दोनों केस में टारगेट 1100 रुपए तक का बनेगा। अगर आपका व्यू 6 महीने का है तो आराम से 812 के ऊपर फ्रेश बाइंग कीजिए, 1100 रुपए तक का टारगेट मिलेगा।